हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम वीक थ्री के जो सॉल्यूशंस है वो करने वाले हैं एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में। और जो वीक थ्री है हमारी डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स की, दैट इज कंसर्निंग विद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बेसिक्स है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, वो मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरे ओपिनियन में आपको आता ही होगा। तो हम जो करने वाले हैं, दैट इज की वेरियंस या रैंडम वेरिएबल है, जो आपका ये वाला है यूनिट वीक थ्री। ये आपका बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स है, और कुछ टेस्ट्स होते हैं हमारे, लाइक जेड टेस्ट होता है, एफ टेस्ट, आई टेस्ट। तो ये बेसिकली अभी हमारा जेड टेस्ट पे बेस्ड है यूनिट, तो हम वो उतना ही करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि सुमित वांट्स टू कांटेक्ट वन ऑफ हिज फ्रेंड, बट ही रिमेंबर्स ओनली फर्स्ट 9 ऑफ द 10 डिजिट्स ऑफ द कांटेक्ट नंबर। मतलब उसको अपने फ्रेंड को कॉल करना है, लेकिन उसको फर्स्ट 9 डिजिट तो याद है, आखिरी डिजिट अब वो भूल चुका है। तो लेकिन उसको ये जरूर पता है कि जो लास्ट डिजिट है ना, वो एक ऑड नंबर है। तो मतलब हमारे पास अब कुछ रैंडम वेरिएबल्स आ गए। मतलब अब ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक चीज है कि ये होनी चाहिए, हमें पता है कि आखिरी डिजिट एज ऑड नंबर है, तो वो 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो वो बोल रहा है कि वो कोई एक ऑड नंबर रैंडमली सिलेक्ट करता है। तो अगर वो कह रहा है कि जो रैंडम वेरिएबल है वो x है, इट डिनोट्स द लास्ट डिजिट ऑफ द कॉन्टैक्ट नंबर, तो वेरियंस निकालो x का। अब पहले आपको ये समझने की चीज है कि x है क्या। वेरियंस तो निकाल रहे हैं, पर x क्या है? तो x आपका एक रैंडम वेरिएबल है, और उस रैंडम वेरिएबल में आपकी कितनी वैल्यूज जा सकती है? 1, 3, 7, 6, 9। क्यों? क्योंकि उसमें से कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो इन 5 वैल्यूज में से उसने कोई एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट किया, और अब आपको ये बताना है कि जो नंबर सिलेक्ट हुआ है उसका वेरियंस क्या है। बेसिकली हम ये कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये रैंडम वेरिएबल का होता है। रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि आपके पास एक चीज की ना हो के आपके पास चॉइस होती है। मतलब जो आपका वेरिएबल है उसके पास ऑप्शंस है बहुत सारे, ठीक है? तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएंस होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि वेरिएंस ही निकालना है। देखो, वेरिएंस हमको ये बताता है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द वैल्यूज इन अ डेटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा सेट। मतलब जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है और जो हमारे पास मीन है, उनके अब आपस में कितना डिफरेंस है। तो बेसिकली ये क्वांटिफाई करता है कि कितना डिस्पर्स्ड या कितना स्प्रेड है हमारी वैल्यूज के अंदर। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम आते हैं जो हमें प्रैक्टिकली यूज करना है। तो प्रैक्टिकली आपको बच्चे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब भी आपको रैंडम वेरिएबल के केस में वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस किसी भी रैंडम वेरिएबल का क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ई ऑफ एक्स क्या है आपका, ई ऑफ एक्स आपका मीन है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मीन का स्क्वायर कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक्स का स्क्वायर निकाल रही हूँ। मीन तो निकाल रही हूँ, लेकिन एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो रैंडम वेरिएबल मेरे पास आ रहा है, पहले मैं उसका स्क्वायर निकालूंगी और फिर मैं उसका मीन निकालूंगी। इसमें क्या है कि पहले मैंने मीन निकाल लिया सारे रैंडम वेरिएबल का, और फिर मैंने स्क्वायर किया। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसमें क्या है कि हर एक वैल्यू का पहले मैं स्क्वायर करूंगी, ये वैल्यूज है ना आपकी, हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके फिर मैं उसका मीन निकाल रही हूँ। उसमें से किसको माइनस करना है कि जितनी वैल्यूज थी उन सबका मैंने मीन निकाल लिया और फिर मैंने इसको स्क्वायर करा, ठीक है? और फिर मैंने आपस में इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है जी? तो अब पहले हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला है। सबसे पहले हम अपना रैंडम वेरिएबल बनाएंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी डिजिट हो सकती है। तो डिजिट कौन कौन सी हो सकती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या है, डिटरमिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मेन तक जाना, एक्सपेक्टेड वैल्यू तक जाना है ना हमको, तो हम पहले ये देखते हैं कि मेरे पास 5 डिजिट है, 5 में से उसने कोई एक नंबर सिलेक्ट किया है, तो हर एक नंबर को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखो, ये 5 टोटल है, इसको अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो 1/5 प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसकी भी 1/5 रहेगी, इसकी भी 1/5, इसकी भी 1/5, इसकी भी 1/5। मतलब हर एक नंबर जो है वो इक्वी लाइटली आने का पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो हर एक नंबर की जो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, वो 1/5 आ रही है, ठीक है? उसके बाद अब हम अपने मीन वाले स्टेप पे चलते हैं। तो अगर मुझे हर नंबर की प्रोबेबिलिटी पता है, तो मैं इसका मीन निकाल सकती हूँ, राइट? तो मीन आपका कैसे निकलेगा, ये पहले नंबर की क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरे नंबर की क्या पॉसिबिलिटी आने की, प्लस तीसरे नंबर की क्या पॉसिबिलिटी आने की, चौथे नंबर की क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस पांचवे नंबर की क्या पॉसिबिलिटी है। ये लिखने के बाद सब में 1/5 है, तो सॉल्व करने की जगह मैंने इसको कॉमन ले लिया। तो जैसे ही कॉमन लिया, तो 1/5 अगर बाहर आ जाए तो यहाँ क्या बचता है, 1, यहाँ से बाहर आ जाए तो क्या बचता है, 3, यहाँ से बाहर आ जाए तो 5, यहाँ से बाहर आ जाए तो 7, यहाँ से बाहर आ जाए तो 9। तो सॉल्व करने पर मेरा जो ई ऑफ एक्स आया, यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी आई, जो मीन आया जो एक्स का, दैट इज मेरे पास 5।
इसके बाद ई ऑफ एक्स तो निकल गया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है तो वो 25 बन जाएगा। देखिए साथ में ई ऑफ एक्स का स्क्वायर भी निकालना था, तो सबसे पहले हम ई ऑफ एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर में मैंने आपको क्या बताया कि हर जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती है पहले मैं उसको स्क्वायर करूंगी और फिर मैं मीन निकालूंगी। तो 1 था तो 1 का स्क्वायर किया इंटू 1/5, प्लस 3 का स्क्वायर किया इंटू 1/5, 5 का स्क्वायर किया इंटू 1/5, ऐसे करके मैं क्या करूंगी 1/5 फिर से कॉमन ले सकती हूँ। और जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड कर लिया तो मेरे पास आया 33। अब मुझे बस क्या करना है 33 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये 5 आ रहा था ना तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो 33 माइनस 25 इज 8। तो पहले का आंसर आपका आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरियंस का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आपको साथ में कोवेरियंस भी बता देती हूँ कि जहां वेरियंस आएगा वहां कोवेरियंस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो वेरियंस के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये वो है। सबसे पहले अगर मान लो आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आपने बोला अगर वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई, मैं दोनों का वेरियंस सम करके निकाल रही हूँ, तो वो क्या होता है वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अभी कोवेरियंस को होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या चीज है वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी दो अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, रैंडम वेरिएबल, और मैं उनका सम करके निकालना चाह रही हूँ, तो इसका एक्स प्लस इसका वाई वेरियंस इंटू ट्वाइस ऑफ को वेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब अगर आपके ये दोनों एक्स वाई रैंडम वेरिएबल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका और इसका कोई आपस में लिंक ही नहीं है, तो उस केस में को वेरियंस जो हो जाता है वो आपका जीरो हो जाता है। तो उस केस में वेरियंस क्या बन जाता है वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। इसके अलावा आपकी एक ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी यूज भी होगी आगे, तो इसका भी ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं वेरियंस निकाल रही हूँ, एक रैंडम वेरिएबल मेरा एक्स है, उससे उसके साथ एक कॉन्स्टेंट लगा हुआ है और उसके साथ एक कांस्टेंट और मैंने ऐड कर रखा है। तो पहले आपको ये समझना है कि जो वेरिएंस है ना उसके ऊपर जो अलग से कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे ये बी है, तो उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो आप अगर वेरिएंस निकाल रहे हो लेकिन जो उसके साथ कांस्टेंट लगा होता है मल्टीप्लीकेशन में, उसका इफेक्ट जाता है, उसका स्क्वायर का इफेक्ट जाता है। तो अगर मैं इसका वेरियंस निकाल रही हूँ तो वो क्या बनेगा ए स्क्वायर, मतलब ये ए बाहर आ जाएगा यहाँ और उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक और प्रॉपर्टी आपकी है, और जो साइड में आपका कांस्टेंट ऐड था उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कोवेरियंस। अब मैं कोवेरियंस तो कर रही हूँ, तो कोवेरियंस कैसे निकलेगा, तो कोवेरियंस का ये फॉर्मूला होता है, ये क्या बोलता है, अगर एक्स वाई का कोवेरियंस निकालना है तो दैट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट करके उनका मेरे को क्या निकालना है मीन निकालना है, और उसमें से इंडिविजुअल एक्स और इंडिविजुअल वाई का जो मीन आ रहा है वो मैंने माइनस कर देना, ठीक है। तो अब इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका कोवेरियंस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब कोवेरियंस एक्स वाई का कोवेरियंस वाई एक्स का सेम रहेगा। इसके अलावा एक वर्ड होता है कोरिलेशन, तो वो कोवेरियंस से ही आया है। कोवेरियंस भी देखो आपको दो वेरिएबल्स के बीच का ना इंटर रिलेशन बताता है, सेम काम आपका कोरिलेशन करता है। लेकिन कोवेरियंस की जो वैल्यूज है उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जो कोरिलेशन है वो निकला कोवेरियंस से ही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू रहती है वो माइनस वन से वन के बीच में ही रहती है, मतलब नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है। अगर कोवेरियंस की वैल्यू को हम नॉर्मलाइज कर दें, मतलब माइनस वन से वन के बीच में कर दें, तो वो कोरिलेशन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोवेरियंस से ये, क्योंकि वो देखो दो रैंडम वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, तो अगर कोवेरियंस जो है वो जीरो से बड़ा निकलता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके बीच में क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब इट इंडिकेट्स एक्स एंड वाई टेंड टू इंक्रीज टूगेदर, दैट इज जब एक्स इंक्रीज करेगा तब वाई भी इंक्रीज करेगा, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है। अगर कोवेरियंस की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है, जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जब एक्स बढ़ेगा तो वाई जो है वो आपका डिक्रीज करेगा, या फिर जब एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई जो है आपका इंक्रीज करेगा। और अगर कोवेरियंस की वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब क्या है कि कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है। जीरो का मतलब है कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, कोई और टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है, इंडिपेंडेंट हम नहीं कहेंगे बट लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कोवेरियंस निकालते कैसे हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ई ऑफ एक्स वाई माइनस, ये ऊपर बताया ना, ई ऑफ एक्स माइनस इंटू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। तो मान लो आपके पास दो रैंडम वेरिएबल है, और तो सबसे पहले मेरे को इनका कोवेरियंस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ई ऑफ एक्स निकालो, ई ऑफ एक्स मतलब मीन है, तो देखो तीन वैल्यूज है एक्स की, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन का फॉर्मूला पता है, तो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। फिर ऐसे ई ऑफ वाई क्या निकलेगा, 4 + 5 = 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसके बाद ई ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा, पहले आप एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 1, 5 × 2, 6 × 3 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो वैल्यूज आई उनका सम कर दिया डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि वैल्यूज तो 3 ही है, तो ये निकल के आ गया। बस इन दोनों को माइनस कर दो, फॉर्मूले में डाल दो, तो आपके पास
इस ढंग से कोवेरियंस निकला हुआ आ जाता है। एप्लीकेशन देखो तो जहां पे भी आपका रिलेशन बन रहा है ना वहां पे कोवेरियंस यूज होगा, जैसे पोर्टफोलियो थ्योरी में कि कैसे एसेट्स जो है वो मूव करेंगी, फाइनेंस में मतलब कि कौन सी चीज ये खरीदू तो ये कैसे चलेगा, वो खरीदू तो वो कैसे चलेगा वो चीज। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मतलब रिग्रेशन एनालिसिस जहां पे आपको रिलेशनशिप देखनी होती है वेरिएबल के बीच में, या फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है कि कैसे डायमेंशन ऑफ डेटा को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मतलब मान लो मेरे पास कोई डेटा सेट है तो अगर ये वाला कॉलम रख रही हूँ तो क्या बाकी कॉलम रखने की नीड है, कौन से कॉलम कौन सा हटा सकती हूँ, तो उस टाइप का अगर मुझे देखना है तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कौन कौन से कंपोनेंट रखने हैं, कौन से डायमेंशन रखने हैं, ठीक है, यानी डायमेंशन का मतलब क्या है, कौन से वाला कॉलम रखना है कौन से वाला हटाना है, तो उस टाइप का रिलेशनशिप भी हम इससे कर सकते हैं। तो जहां भी रिलेशनशिप है वहां पे आपका कोवेरियंस यूज हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, थर्ड क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन है, सेकंड में आपको बाद में कराऊंगी, जो जितने भी आपके हाइपोथेसिस से रिलेटेड है वो मैंने बाद में कराए हैं, जितने भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है वो पहले करा रही हूँ, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे। एक बॉक्स है जिसमें 8 आइटम्स है जिसमें 2 आपकी डिफेक्टिव है, ठीक है, 8 आइटम है यानी टोटल आइटम्स 8 है जिसमें से मेरी 2 डिफेक्टिव निकली, ठीक है। मैंने क्या किया, 5 आइटम्स निकाली रैंडमली, कोई भी 5 निकाल ली, 8 में से मैं 5 निकाल रही हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक बार निकाल ली तो उसको मैंने साइड पे रख दिया, फिर उस 7 आइटम बच जाएंगी, फिर उन 7 में से मैं निकालूंगी, फिर 6 में से निकालूंगी, इस ढंग से मैंने 5 निकाली है, ठीक है। इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 आइटम्स, तो रैंडम वेरिएबल मेरा क्या है कि मेरे जो उन 5 आइटम्स है उसमें से मेरी कुछ डिफेक्टिव हो सकती है, तो फाइंड करना है ई ऑफ एक्स, यानी आपको उसका मीन निकालना है बेसिकली। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, ये देखो इसने आपको क्या बोला, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट आप जब यूज करते हो तो आप रैंडम वेरिएबल में, तो आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है आपका। तो आपको क्या क्या बता रखा था कि आइटम्स मेरी 8 है, 2 मेरी डिफेक्टिव है, 5 मेरी मैंने सिलेक्ट करी है, और मैंने क्या किया है, रिप्लेसमेंट नहीं करी है, मतलब अगर एक बार निकल गई तो निकल गई, उसको मैं दोबारा नहीं डालूंगी, ठीक है। तो मतलब अगर एक डिफेक्टिव आइटम मेरी बाहर आ चुकी है तो अब एक ही अंदर पड़ी है, 7 में से एक ही डिफेक्टिव है उसमें से, और मुझे निकालना क्या है कि जो मैं सैंपल मैंने उठाया है वो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है या मीन निकालना है कि वो जो मैंने सैंपल उठाया है उसमें डिफेक्टिव आइटम कितनी है उसकी मेरे को हुआ है। तो एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है जितनी आइटम्स आपने सिलेक्ट किए हैं मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव आइटम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 2 डिफेक्टिव है टोटल में से, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम आ गई निकाली कितनी है आपने, 5, तो बस आपका आंसर आ गया 1.25। अगर सेम क्वेश्चन होता जिसमें मैं ये बोलती कि रिप्लेसमेंट है, मतलब मैंने एक निकाली मान लो वो डिफेक्टिव है, उसके बाद दोबारा मैं उसको मिक्स कर दूंगी, फिर मैं उन 8 में से ही दूसरी आइटम निकाल रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ तो हम जो यूज करते हैं वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इस केस में क्या होगा, वही चीज है, डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी अभी भी वही है 2 out of 8, ठीक है, और आइटम कितनी निकाली है मैंने, 5, तो 5 into this, तो इसी वजह से क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है तो इसलिए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, x एंड y आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जहां पे वेरिएंस दे रखा है x का, वेरिएंस दे रखा है y का, आपको इसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा, x और y का वेरिएंस पता है, तो वेरिएंस की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए एक्स प्लस बी होता है तो ए स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब मान लो ए एक्स प्लस बी वाई का वेरिएंस हो तो ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएंस ऑफ कोई रैंडम वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे वो डिपेंड नहीं करता, तो वो वेरिएंस ऑफ एक्स ही रहेगा। तो मुझे इसका वेरिएंस निकालना है 4x - 2y + 6। तो पहले तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ मेरे को वेरिएंस ऑफ 4x - 2y निकालना है, क्यों, क्योंकि प्लस 6 का तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और अगर मैं वेरिएंस ऑफ 4x - 2y निकालू तो वो क्या बनेगा, 4² × (x + -2)² × (y). आई होप आपको -2 समझ आ जाए कि फॉर्मूला में तो प्लस ही है और -2 उसका कोफिशियंट है तो हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब 4² = 16 हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स मुझे दे ही रखा था, ये 4 हो गया, वेरिएंस ऑफ वाई मुझे दे रखा था, प्लस मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन आता है, सिक्स क्वेश्चन आपको क्या बोलता है,
कोरिलेशन कॉफिशियंट जो है एक्स और वाई के बीच में वो उसने 14 दे रखा है, वेरियंस उसने हमें दे रखा है एक्स और वाई का, ये आपको को वेरियंस निकालना है। देखो को वेरियंस निकालना है, जब उसने हमें कोरिलेशन दे रखा है, वेरियंस दे रखे एक्स वाई के, तो को वेरियंस का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है को रिलेशन इंटू वेरियंस रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। तो बस को रिलेशन 14 है, वेरियंस ऑफ एक्स क्या है 5, वेरियंस ऑफ वाई सॉरी वेरियंस ऑफ एक्स आपका 3 है एंड वेरियंस ऑफ वाई आपका 5 है, एनीहाउ मल्टीप्लाई हो रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका स्क्वायर रूट करना है। तो 5 3 15 रूट यहाँ मैंने निकालना सिखाया है आपको बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है वो नंबर लिखते हैं और उसके ऊपर डबल ब्रैकेट कर देते हैं डॉट, और फिर उसके आगे जितने प्लेसेस तक का निकालना है उतने 0 0 0 0 0 0 का पेयर बना देते हैं, और ये पेयर बना रखे हैं मतलब जब ये नीचे उतरेगा तो ये 0 0 नीचे उतरेगा। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कोई सेम नंबर लेना होता है, जैसे 3 3 9 4 4 16 जो इसको इससे छोटा होता कि हम माइनस कर सके, तो 3 3 9 आया माइनस किया तो 6 6 उतरा, तो अब 6 छोटा है तो हमने 0 0 को नीचे उतार लिया, यहाँ डेसिमल था तो यह डेसिमल आ गया। इसके बाद हम इसके लिए क्या करते हैं, जो ऊपर नंबर आया होता है उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 3 2 था क्या है 6, अब 6 आ गया। अब 6 के आगे हम क्या करते हैं, कोई एक कॉमन नंबर ले लेते हैं जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जैसे 6 के साथ मैंने 4 4 ले लिया तो ये 64 बन गया और 4 तो ये 256 आया, बट यहाँ 600 है। फिर मैंने 6 के साथ किसको ले लिया, 8 को ले लिया, वो ये आ गया। फिर 6 के साथ 9 लिया तो 621 आ गया जो इससे बड़ा था, तो वो 8 यहाँ भी लग जाएगा, वो 8 यहाँ भी लग जाएगा, नंबर यहाँ आ गया माइनस कर दिया। फिर हमने 0 0 ले लिया, फिर जो 38 आया उसको मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 76 आया। अब ऐसे ही 76 के बाद मैं कोई कॉमन नंबर ले लूंगी जिसको मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके नंबर निकालूंगी, तो इस ढंग से आपको रूट निकलता है। होप आपको पता होगा, वैसे तो आता ही है बट स्टिल मैंने एक रिकॉर्डिंग के लिए बता दिया, बस उसको मल्टीप्लाई किया एंड देन वी केम फॉर द आंसर। इवन तो आंसर इज कमिंग रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट आपका यही है। मैंने दूसरा तरीका और लगाया था, वो ये था कि मान लो कोवेरियंस आपको मैंने बोला ही था कि मतलब मैं इसको नॉर्मलाइज करके देख रही थी, नॉर्मलाइजेशन का आंसर देख लेना बट मेरा आया नहीं। अगर मेरे पास कोई वैल्यू आए ना जिसको मेरे को नॉर्मलाइज करना हो तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, मिनिमम ऑफ 1 मैक्स ऑफ -1 कोई जो भी नंबर आप कर रहे हो। वो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं जो मेरा यहाँ कोरिलेशन कॉफिशियंट था वो 14 था, मैं सोच रही थी कि नॉर्मली कोरिलेशन कॉफिशियंट तो -1 से 1 होता है, तो मैंने क्या किया था, मैंने ये सोचा था कि अगर मैं इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर लूँ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में और फिर फॉर्मूले में डालूँ तो क्या फिर आंसर ठीक आता है, तो आंसर तब भी ठीक नहीं आ रहा, इसलिए। बट एनी हाउ अगर कोरिलेशन कांस्टेंट को आपको चेंज करना है तो वो क्या होता है, मिनिमम ऑफ 1 इनटू मैक्सिमम ऑफ -1 कॉमा जो आपको वैल्यू जिसको आपको नॉर्मलाइज करना है, तो मैक्सिमम ऑफ -1 और 14 14 आ जाता और फिर मिनिमम ऑफ 1 और 14 क्या रह जाता 1 रह जाता, पर उससे आंसर ठीक नहीं आ रहा था। तो एक ये आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो नॉर्मलाइज करने के लिए भी किसी भी कोफिशियंट वैल्यू कोरिलेशन की वैल्यू को -1 से 1 के बीच में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका बेटा था मीन मीडियन मोड पे 10th क्वेश्चन, कि अगर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक मिनट सॉरी फॉर कैटेगरल डेटा, कैटेगरल डेटा के लिए मोड होता है, तो वो मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैटेगरल डेटा होता कौन सा है। देखो इट रेफर्स टू द डेटा दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और कैटेगरीज, यानी जिस भी डेटा को हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो नंबर्स के साथ एक्सप्रेस होता है, तो कैटेगरल डेटा जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, उसमें हम ग्रुप्स बना सकते हैं कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आप डेटा की 4 टाइप्स होती हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे पहला है आपका नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा के अंदर क्या होता है कैटेगरीज होती हैं लेकिन कोई ऑर्डर या रैंक नहीं होता, जैसे कलर्स है रेड ग्रीन ब्लू सारे सेम ही ऑर्डर किया, किसी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ऑर्डिनल डेटा के अंदर क्या होता है आपका कि हम रैंक देने लग जाते हैं, जैसे कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन पुअर फेयर एक्सीलेंट गुड, तो अब इसमें कैटेगरी बन गई ना, पुअर है तो सबसे कम है, एक्सीलेंट है तो सबसे अच्छी वाली है, तो इस टाइप का जब कैटेगरीज बन जाती हैं आपकी तो ये कैटेगरल डेटा हो जाता है। तो अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो हमारे पास ये सारे मेथड्स हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला मीन होता है, तो देखो मीन तो बिल्कुल भी कैटेगरल डेटा पे वर्क ही नहीं करता, वो तो वर्क करता है एवरेज, क्योंकि वो एवरेज निकाल रहे तो उसको तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही चाहिए, तो कैटेगरीज तो बनी नहीं तो वो तो काम नहीं करेगा। मीडियन की बात करें तो वो आपको मिडल वैल्यू देता है किसी भी सॉर्टेड लिस्ट की, है ना। तो ये जो है प्योरली कैटेगरल डेटा पे ये काम नहीं कर सकता,
इवन दो ये मिडल वैल्यू बता देता है कि कैटेगरीज की भी मिडल वैल्यू दे देगा, बट ये प्रॉपरली उस पर वर्क नहीं करता. नॉर्मली हम इसको भी जो नॉमिनल डेटा होता है यानी ये वाला जो होता है, हम इस पर प्रेफर करते हैं करना. जो आपका मोड होता है ना, वो आपका बिल्कुल प्रॉपर कैटेगरीज पे ही वर्क करता है. इसी वजह से कि सबसे बेटर सबसे बेस्ट वाली कौन सी कैटेगरी चल रही है. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लो, जैसे एक डेटा सेट है जिसमें आप फेवरेट कलर देख रहे हो, तो आपने ये देखा कि रेड 10 times आया, ब्लू 7 times, ग्रीन 7 times, येलो 3 times. तो क्योंकि रेड 10 times आया, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, कॉमन कलर है ना. तो जब हमने ऐसे कैटेगरी बता दी, तो वो आपका क्या हो गया, मोड की हेल्प से हम बता सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए मोड आपका कैटेगरी डेटा में सबसे ज्यादा यूज होता है. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9th था, जो बेयस थ्योरम के ऊपर है, अगेन प्रोबेबिलिटी के ऊपर है. तो ये करते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे. वो थोड़ा सा लॉ कॉन्सेप्ट पड़ता है, तो बाकी के क्वेश्चन हम उसके ऊपर करेंगे. एक कार मैन्युफैक्चरर है, उसने परचेज की कार की बैटरीज दो सप्लायर्स से, एक सप्लायर एक्स है, दूसरा सप्लायर वाई है. सप्लायर एक्स ने 55% बैटरीज दे दी और सप्लायर वाई जो था उसने बाकी की दी. तो देखो 100% में से 55 अगर एक्स ने दी है, तो 45% किसने दी है, वाई ने दी है. उसके बाद उसने बोला जो सप्लायर एक्स ने सप्लाई करी बैटरीज, उसमें से 5% डिफेक्टिव है, और जो वाई ने जो सप्लाई करी उसमें से 4% डिफेक्टिव है. तो आपने क्या किया, एक बैटरी सिलेक्ट करी बल्क से और आपको पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है. तो आपको ये बताना है कि वो सप्लायर एक्स की है. तो आपको पता है ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें एक चीज पता हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी चीज बतानी हो, तो वो हमारी बेस थ्योरम लगती है. ये तो आपने पढ़ ही रखा है पहले भी बेस थ्योरम को. तो हमको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या पता है. वही चीज मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि सप्लायर एक्स ने इतने परसेंट बैटरीज दी, इतनी डिफेक्टिव थी, वाई ने इतना दिया, इतनी डिफेक्टिव थी. और आपको एक बैटरी फाइंड करनी है जब आपको पता है कि वो डिफेक्टिव है, और हमको क्या बताना है बेसिकली कि वो सप्लायर एक्स ने दी है. तो मैंने पहले इवेंट सेट करे, मैंने बोल दिया कि मान लो ए इवेंट ये है कि वो सप्लायर एक्स ने दी है, बी इवेंट वो दिया है कि सप्लायर वाई ने दी है, और डी वो है कि बैटरी जो है वो डिफेक्टिव है. तो बेस थ्योरम का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बी ए अपॉन बी, जब हमें ये पता है कि ये इवेंट हो रखा है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है. तो उस केस में ये जो बी ए अपॉन बी निकाला है, तो यहाँ पे वो बी अपॉन ए हो जाता है, और जो ऊपर है पी ए तो पी ए लिख दो, नीचे है बी तो पी बी लिख दो. ये मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे याद करना है. ठीक है, लेकिन अपने केस में मैंने इवेंट थोड़े से अलग बनाए थे. मैंने ये बोला था कि वो डिफेक्टिव है और वो ए से आ रही है या एक्स से आ रही है, तो मैंने इसको लिख दिया था पी डी अपॉन ए इंटू पी ए इंटू पी डी. तो सबसे पहले पीडी क्या है, पीडी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, राइट. इसका मतलब क्या है कि वो डिफेक्टिव है, ए से आनी चाहिए या एक्स से आनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि वो ए से है और वो डिफेक्टिव हो, ये मुझे पता है, ए की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है यानी एक्स की, और पीडी मतलब डिफेक्टिव है. अब डिफेक्ट ये देखो, ये दोनों तो मुझे पहले से ही पता है, इसका नहीं पता क्यों, क्योंकि डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों वाई और एक्स दोनों सप्लायर से आ रही है. तो पहले मैं क्या करूंगी, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूंगी कि डिफेक्टिव बैटरी की टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या. ठीक है, तो वो है क्या, अगर मैं पहले एक्स वाली बैटरी की बात करूं, एक्स वाले सप्लायर की, तो वो क्या है कि वो ए से है और वो डिफेक्टिव है, इंटू पी ऑफ ए, पी डी निकालना है ना. तो पी डी क्या रहेगा, पी डी अपॉन ए इंटू पी ए, कि मैंने प्रोबेबिलिटी ए को सिलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है क्या 55, क्योंकि देखो सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.055% ही ना, जो डिफेक्टिव बैटरी है कि ए ने दी थी, हमें पता है ना कि 5% बैटरीज ही थी जो ए ने दी थी और वो डिफेक्टिव थी, तो उसकी 5% होगी मतलब 0.05. और ऐसी कितनी कितनी बैटरीज खरीदी थी हमने, 55% ली थी ना, तो 0.55. आप 55% से भी कर सकते हो, उसमें 100-100 कैंसिल होता जाएगा, हम पॉइंट्स में ले लेंगे तो सिंपल रहेगा. और ऐसे ही कि बी की बैटरी थी और यानी वाई ने वाई की बैटरी थी और वो डिफेक्टिव थी, उसकी मुझे पता था 4% है वो डिफेक्टिव, तो 0.04. और ऐसी कितनी ली थी मैंने, 45% थी ना, तो 0.05. तो टोटल ये बना इसका और इसका ये बना, तो मेरे पास जो बिल्कुल टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो ये होगी. अब जब मैं बेस थ्योरम लगाऊं तो ये बनेगी, तो पी डी अपॉन ए क्या है कि ए की है और डिफेक्टिव है, 0.05 थी, ए की प्रोबेबिलिटी खुद कितनी थी, 0.55, 55% बैटरी खरीदी थी ना, और पी डी कितना निकला, टोटल ये निकला. तो बस मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये आपका आंसर दे देगा, यही आपका आंसर है. ठीक है, इसके बाद ये जो जितने क्वेश्चन बचते हैं ना, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर है. तो पहले मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसके बाद जो आपके 2-3 क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे. हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, एक स्टेटिस्टिकल मेथड है जिससे आप कुछ कंक्लूजन्स निकालते हो एक सैंपल के लिए.
ठीक है, मतलब एक सैंपल होता है आपके पास। सैंपल क्या है, बहुत सारी वैल्यूज आपने इकट्ठी कर ली है या कुछ एरिया आपने इकट्ठा कर लिया है, उस एरिया में से आप क्या कर रहे हो, कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी का कुछ काम करके। कंपेयर कर रहे हो आप अपने डेटा को एक न, अब जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उसमें हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं और उसके साथ हम एक हम क्या करते हैं, एक हम बेसिक टेंटेटिव सी स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बाद हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और जो टेस्ट से रिजल्ट आया होता है ना उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमने एक स्टेटमेंट मान रखी होती है, जिसको हम हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो कंपैरिजन के बाद हमें पता चलता है कि हमको स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना है या जो हमने बात मानी थी वो हमारी ठीक थी। तो ये बेसिकली हम कर रहे होते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये आपकी वो स्टेटमेंट है जो हमने मान रखी है, एज्यूम कर रखी है, जिस ठीक है, इट इज दैट रिसर्चर्स टिपिकली सीक टू टेस्ट अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट आपको टेस्ट करना है। इसको हम म्यू नॉट या म्यू से भी आप वो कर सकते हो, नोटेशन कर सकते हो। दूसरी आती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो है जिसको आपने प्रूव करना है, जो आप प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है आपका, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। मान लो आपका हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सीडेंटली क्या रिजेक्ट कर दिया, तो वो उसका सिग्निफिकेंस लेवल है। हम नॉर्मली ये तीन सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल को हम यूज नहीं करते, जौन सा सिग्निफिकेंस लेवल दे रखा होता है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज मैंने आपको आगे दे रखी हैं, तो उससे हमें पता चलता है, उन वैल्यूज पे हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने निकाल रखी है, और सिग्निफिकेंस लेवल से हम दोनों को कंपेयर करके पता चल जाता है कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है हमें हाइपोथेसिस को। तो ये तीन ही वैल्यूज हमारी नॉर्मली चलती है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो आपको याद रखनी पड़ेगी, तीन वैल्यूज है। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक में बेसिकली आपको क्या करना है, वो स्टैंडर्डाइज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके निकलने के बाद जिसके बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना है। तो अगर आप जेड टेस्ट कर रहे हो तो हमारे वैल्यू क्या होती है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस सी। एक्स बार आपका मीन है सैंपल का, म्यू नॉट आपका हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है उसकी वैल्यू, एंड ऐसे ही आपका होता है स्टैंडर्डाइज्ड एरर। सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज्ड एरर निकालते हैं, उसका अलग फॉर्मूला है जो आपका कंप्लीट सैंपल और आपका जो वेरिएंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर हम ये वैल्यू निकालते हैं, बस ये दो वैल्यू निकालने के बाद तो इसमें से जो रिस्क हमको दे रखा है वो रिस्क की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर जो निकाली हुई वैल्यू है वो इसके बीच में आ रही होगी तो एक्सेप्ट है, नहीं तो रिजेक्ट। हमने इतना सा काम करना है। इसके अलावा एक क्रिटिकल वैल्यू होती है, ये वो कट ऑफ वैल्यू होती है जो बताएगी कि रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना सिग्निफिकेंस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होती है, तो वो ये क्रिटिकल टेस्ट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, और क्योंकि टू टेल टेस्ट होता है तो ये प्लस माइनस दोनों में लेते हैं, जिससे हमारे पास एक रेंज आ जाती है। तो जब रेंज आ जाती है तो हम उसके बीच में देख लेते हैं वो वैल्यू, अगर इसके बीच में फॉल कर रही है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। तो यही आपका डिसीजन रूल है। आई नो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा अभी इसमें, अभी मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन करवा रही हूँ तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इतना मैंने क्या बोल दिया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टू पे चलते हैं। क्वेश्चन टू हमको ये बोल रहा था कि सपोज एक्स जो है वो आपका नॉर्मल ऑफ म्यू फोर है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले एक चीज पता चल रही है और वो आपका क्या है, वेरियंस। जब इसने म्यू फोर लिखा है ना तो फोर जो है ना वो आपका वेरियंस है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दे रखा है। आप इसका रूट निकाल लो इस वैल्यू का, जैसे ही आपने रूट निकाला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो उसने आपको बोल रखी है वो ये है कि n जो है वो 20 सैंपल है, मतलब जो टोटल आपके पास सैंपल दे रखा है ना वो आपके पास कितना है, 20 का साइज है। उसके बाद उसने बोला कि जो मीन आया ना सैंपल का वो 5.2 है, तो आपके पास जो मीन आ रहा है सैंपल का वो 5.2 आ रहा है एक्स बार। उसके बाद उसने आपको ये बोला जेड टेस्ट से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, इफ द नल हाइपोथेसिस इंप्यूज म्यू इक्वल टू 5, तो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। उसके बाद उसने ये बोल दिया था कि जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 है, 0.05 का उसने आपको सिग्निफिकेंस लेवल दे दिया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है टेस्ट की वो हम वो ये दे रखा है 1.9599। इस क्वेश्चन में उसने दे रखी थी, आगे क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें नहीं दे रखी है जो टेस्ट की वैल्यू है जिससे हम कंपेयर करेंगे। तो पहले हमारे पास सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड एरर निकालोगे, स्टैंडर्डाइज एरर के लिए फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था वेरियंस और जो सैंपल साइज है उसका अंडर रूट, दोनों को डिवाइड कर दो। तो मेरे पास आई थिंक आपको रूट निकालना तो आ ही गया है, तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, नोट पीडीएफ में शेयर कर दूंगी तो आप अपना निकाल के देख सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड एरर की जैसी वैल्यू आई तो नेक्स्ट केस में ये निकालना था, मीन का सैंपल भी दे रखा है, म्यू नॉट भी दे रखा है, ये भी आपने निकाल लिया है तो वैल्यू आ गई, यानी हमने जेड टेस्ट से एक वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या दे रखा था, जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 था, 0.05 पे जो क्रिटिकल टेस्ट की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 1.9599 आती है,
ये आपको याद रखनी है। तो अब क्या, जो ये देखो ये प्लस माइनस है, मतलब एक रेंज बन गई। तो -1.9 से लेके +1.9 तक आपके पास एक रेंज है। क्या ये वैल्यू जो तुमने निकाली है वो इस रेंज में आ रही है? क्योंकि वो इस रेंज में है, यस। तो इसीलिए आपका डिसीजन क्या रहेगा कि हम इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कोई वैल्यू ऐसी आती जो इस रेंज में नहीं होती तो हम इसको रिजेक्ट कर देते, बस इतना सा काम था, ठीक है। और जो ऊपर थ्योरी पढ़ाई थी वो भी यही थी। नेक्स्ट आपका आता है, आप इसको बैक करके एक बार समझ सकते हो, या मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। ऊपर की थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें आपको जब पता चल गई, सबसे पहले आपको स्टैंडर्डाइज्ड एरर निकालना है, जो कि वेरियंस अपॉन अंडर रूट एन होता है, जो कि आपका सैंपल का साइज है। उसके बाद आपको जेड निकालना होता है, जेड से आपके पास एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस सी, ये जो वैल्यू आई और जो उसने हमें सिग्निफिकेंस वैल्यू दे रखी थी, सिग्निफिकेंस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल वैल्यू आती है उसको रेंज की फॉर्म में ले लो, और इस वैल्यू को बस चेक कर लो इसके अंदर आ रहे हैं नहीं आ रही, आ रही है तो एक्सेप्ट है, नहीं तो रिजेक्ट, बस इतना सा काम करते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं। अब टाइप वन का एरर और टाइप टू एरर दो होते हैं। अगर आपने इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दिया ट्रू नल हाइपोथेसिस तो उसको हम टाइप वन एरर बोलते हैं, ठीक है। मतलब हाइपोथेसिस तो ठीक था लेकिन फिर भी मेरे से रिजेक्ट हो गया। अगर मान लो टाइप टू एरर क्या, हाइपोथेसिस गलत था लेकिन मैंने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट विल बी योर टाइप टू एरर, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं आपके। क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहा था कि अगेन सेम ही है, म्यू के साथ नाइन दे रखा है, मतलब आपका स्टैंड वो है, वेरियंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रखा है, एन की वैल्यू मतलब सैंपल साइज दे रखा है, मीन भी उसने दे रखा है। क्या कंक्लूजन निकलेगा अगर म्यू यानी नल हाइपोथेसिस की वैल्यू ये है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम यूज नहीं करते, हम नल हाइपोथेसिस यूज करते हैं, ठीक है। और उसने हमें यहाँ पे ये दे दिया कि सिग्निफिकेंस लेवल 0.10 और सिग्निफिकेंस लेवल 0.5 है, 0.05। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैंने आपको तीन सिग्निफिकेंस लेवल बताए थे, 0.05, 0.10 एंड 0.01, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कहा था कि इनपे हम कुछ नहीं करते, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रेंज आती है हमें उस मतलब होता है। अब देखो इसने इस क्वेश्चन में आपको रेंज नहीं दी, इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्या कर रही हूँ, रेंज बता रही हूँ। अगर 0.01 है तो उसकी जो रेंज है ना, देखो इतना लंबा याद तो रहेगा नहीं, बस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली कर लो, 0.01 है, उसके बाद 0.05 है, और फिर 0.10 है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उसकी रेंज सबसे बड़ी है, 0.25 है। फिर जैसे ये थोड़ी सी बड़ी हुई रेंज, 0.05 आया तो इसकी वैल्यू कम हो गई, 0.19, और जैसे ये और बड़ी 0.10 तो ये पॉइंट ये प्लस माइनस 1.6 हो गई। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब मेरे पास सारी वैल्यूज थी, तुमने जेड की वैल्यू तो तुम इजिली निकाल ही लोगे, ये सब तो तुम्हें निकालना आ गया ना, एन 100 दे रखा है, ये निकाल लिया, एक्स बार दे दिया, म्यू नॉट दे दिया, और अल्फा की दो वैल्यूज दे दी। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरे को सबसे पहले ना अपना एस सी निकालना है और जेड निकालना है। जब ये वैल्यू निकल गई, अब इस वैल्यू को, क्योंकि उसने मेरे को सिग्निफिकेंस वैल्यू दो दे दी, 0.10 और 0.05, तो मुझे 0.10 पे इसके लिए और 0.05 इसके लिए वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू क्या आ रही है, 4.3 थी, क्या 4.33 इसमें आ रही है, नहीं, क्या 4.33 इस रेंज में आ रही है, नहीं आ रही, तो दोनों ही केसेस में आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक इजी था, बस इसमें सिंपल से कुछ भी नहीं करना था, बाकी सारे आपके दूसरे ही थे। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन रह गया है आपका और एट्थ क्वेश्चन रह गया, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन है कि व्हेन विल यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। देखो ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन ही है, जब भी आपकी पी वैल्यू यानी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो अल्फा से लेस होगी, इन दैट केस यू हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अल्फा से कम है, अल्फा क्या है, सिग्निफिकेंस वैल्यू, जब भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सिग्निफिकेंस से कम आ रही है, ठीक है, तो वो तो हमको पता ही है। यहाँ पे हम ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो निकाल रहे हैं टेस्ट से, तो जब टेस्ट की वैल्यू मेरी सिग्निफिकेंस से ही कम आ जाती है, रेंज में मतलब आ ही नहीं रही है, जब रेंज में है ही नहीं तो हम उसको रिजेक्ट ही तो करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद उसने ये बोल दिया कि एक सैंपल है एन ऑब्जर्वेशंस का आर इंडिपेंडेंटली ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सैंपल फॉलोस क्या। तो इसका क्वेश्चन देखो, चाई स्क्वायर मेथड बहुत डिफिकल्ट है तो मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन आएगा भी तो मैं बता रही हूँ ये ऐसे ही आएगा। तो आप इसको याद रख सकते हो कि एक सैंपल है एन ऑब्जर्वेशंस का, उसको इंडिपेंडेंटली अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो जो सैंपल वेरिएंस है वो क्या फॉलो करेगा, चाई स्क्वायर विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान रख लो, तो वो क्या करेगा, चाई स्क्वायर विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से वो वेरिएंस को फॉलो करेगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आई होप आपको ये जल्दी से समझ में
आ जाएगा। आप इस असाइनमेंट को एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिखा दी है, न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली कर लेना, वो आएंगे। और जो ऐसे क्वेश्चंस है ना डियर मेरा, मैं ये पेपर देती रहती हूँ, आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं ऐसे, इसमें कोई चेंज नहीं आता जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनकी वैल्यूज चेंज होकर आती है, तो प्लीज आप इनको एज सच थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।